दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसके पहले मैं एक पार्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की वीडियो बना चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। तो इस वीडियो में हम आपको जो है टेंस परिवर्तन बताएंगे। इसके पहले वाले में हम प्रोनाउन परिवर्तन तक बताए थे, तो आइए देख लेते हैं। जैसे तीन कॉमन रूल्स हैं, प्रोनाउन परिवर्तन, टेंस परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन। तो जिसमें प्रोनाउन परिवर्तन देखे हैं, अब टेंस परिवर्तन देख लेते हैं कि कब कौन सा टेंस किस में बदला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है टेंस परिवर्तन को जानना। तो देख लेते हैं टेंस परिवर्तन में होता क्या है। वर्ब की परिवर्तन कर दिए, टेंस परिवर्तन अपने आप हो जाता है। देखिए, अब पहला नियम हमारा क्या होता है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। तो बदलता नहीं है, पहले टेंस परिवर्तन के लिए आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। कब, यदि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहती है, तो उसका टेंस जो है उसका वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। तो वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो जान लीजिए टेंस ही प्रेजेंट या फ्यूचर में, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यानी कि ये टेंस बदलेगा नहीं। अब यहाँ देखिए, द जज सेज, न्यायाधीश कहता है, तो कहता है ये प्रेजेंट, देखिए सेज वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में। आई शैल पनिश द क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल को दंडित करूंगा, अपराधी को दंड दूंगा। तो सीधी सी बात है, तो ये सेज प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए आपको टेंस नहीं बदलना है। कॉमन और कॉमा हटाने के लिए दैट लगा देना है, तो दैट लगा के जोड़ देना है। आई का जज के अनुसार ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आई के साथ तो शैल लगता है लेकिन ही के साथ बिल लगता है, इसलिए बिल हो जाएगा। सब कुछ होगा टेंस, लेकिन टेंस परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन परिवर्तन तो होगा। अगला, द स्टूडेंट विल से, विद्यार्थी कहेगा, क्या कहेगा, आई कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए, विल से क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, फ्यूचर टेंस की वर्ब है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर, पहले वाले प्रेजेंट था, तो दोनों में रहने पर टेंस नहीं बदलता। तो आपको करना क्या है, दैट लगा के जोड़ देना। आई का जो है स्टूडेंट के अनुसार देखा ही हो गया, आई के साथ कैन नॉट, ही के साथ भी कैन नॉट, क्योंकि कैन नॉट सभी के साथ लगता है। दोस्तों एक बात और जान लीजिए, ये कैन नॉट जो है हमेशा सटा के लिखा जाता है, कैन और नॉट के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। सारे वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब और नॉट दूर दूर लिखा जाता है, लेकिन ये सटा के लिखा जाता है, इस पर भी आपको ध्यान देना। अब देखिए, दिस निकटता सूचक था, शब्द था, दिस का दैट हो जाता है, तो इसके बारे में भी आपको कौन कौन सा निकटता सूचक किस में बदलता है, इसको टेंस परिवर्तन के बाद आपको मिल जाएगी वीडियो उसके। तो चलिए देख लेते हैं, तो ये सब कुछ परिवर्तन देखिए हुए, कैन नॉट का कुड नॉट नहीं हुआ, दिस का दैट भी हो गया। आगे देखते हैं, दूसरा नियम हमारा क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में, पास्ट टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को अग्रांकित टेबल नंबर टू के अनुसार बदलता है। अग्रांक मतलब नीचे जो लिखा गया है, टेबल नंबर टू, जो टेबल नंबर वन हम आपको प्रोनाउन परिवर्तन बताए थे, टेबल नंबर टू में टेंस परिवर्तन, कौन सा टेंस किस में बदलता है उसको बताया जा रहा है। तो दूसरा नियम हमारा यही है कि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में होने पर, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। तो कौन सा टेंस किस में बदलते हैं, तो देखिए यहाँ टेबल देख लीजिए, डायरेक्ट स्पीच में दिए गए टेंस को, ठीक है, इनडायरेक्ट में निम्नलिखित टेंस में बदलो, किस में बदलो, देखते हैं, ठीक है। पहला क्या है आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा, यानी कि आप सिंपल में जान लो, प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में बदल दो बस। अब पास्ट इंडेफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी कि पास्ट का पहला वाला पास्ट परफेक्ट यानी तीसरा में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेगा, यानी कि पास्ट का दूसरा पास्ट के चौथे में बदल जाएगा लास्ट वाले में। अब देखिए पास्ट परफेक्ट नो चेंज, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो कोई परिवर्तन नहीं, यानी पास्ट के पहला दूसरा को ही बदलना है, पहले को तीसरे में, दूसरे को चौथे में करना है, पास्ट के लास्ट के दोनों नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। अब देखिए फ्यूचर की क्या कहानी है, फ्यूचर में चार टेंस होते हैं, तो पहले फ्यूचर को देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन चारों के बारे में आपको एक ही बात याद करना है। देखिए यहाँ क्या याद करना है, इसको देखिए, फ्यूचर टेंस के चारों रूपों में बिल को उड, सेल को सुड में बदलते हैं, शेष ज्यों का त्यों रहता है, मतलब बिल को उड कर दिए, सेल को सुड, बाकी उसके साथ हैव है या बी हैव बीन है, जो भी है आप उसको वैसे रहने दो, अपने आप पास्ट टेंस हो जाएगा।
किंतु सभी सब्जेक्ट के साथ वुड का प्रयोग अधिक कॉमन है। कहने का मतलब ये है कि आजकल जो है वुड का प्रयोग सभी के साथ लगा सकते हो। आई के साथ भी वुड लगा सकते हो, ही के साथ भी वुड लगा सकते हो, वैसे तो आई वी के साथ आप शुड भी लगा सकते हो, ठीक है, शुड होता है, लेकिन आप वुड का प्रयोग सभी के साथ लगा सकते हो, कॉमन है। और वैसे भी जैसे आई का अगर प्रोनाउन ही कर दिए तो वुड ही लगेगा। इस तरह से विल का वुड, सेल का शुड होता है, लेकिन वुड का प्रयोग सभी के साथ कॉमन है, यानी कि एग्जाम में आपके साथ वुड भी लगा दोगे तो गलत नहीं होगा। और आई को ही करो, वी कर दे करो तो वुड तो लगेगा ही, इस तरह से ही कॉमन होता है। अब देखिए और कुछ वर्ब हैं, कैन या मे का क्या होगा, कैन या मे का कुड या माइट हो जाएगा, यानी कैन का कुड बदल दिया जाएगा, मे का माइट कर दो, टेंस बदल गया। अब इज एम आर को वाज या वर्ब में बदलेंगे, जैसे इज एम आर का वाज वर्ब हो जाता है, जैसे इज एम आर के साथ आई एन जी है तो वाज वर्ब के साथ आई एन जी कर दो, इज एम आर के साथ कुछ नहीं है, जैसे ही इज ए टीचर, आई एम ए टीचर, आई एम, तो इस तरह से भी आप आवाज कर दोगे, ठीक है, बहुवचन है तो वर्ब कर देंगे। इस तरह से ये सभी, इतना ही वर्ब आपको बदलना है, बाकी कोई भी वर्ब मस्ट, नीड, ये सब कोई भी मॉडल जाने हैं उनको कोई बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, एक कैन और मे को बदलना है। अब देखिए टेंस परिवर्तन, ये कौन किसको बदलना है उसको देख लिया, आगे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलते ही रहेंगे। अब कभी इसका कुछ अपवाद भी है टेंस परिवर्तन का, यानी कभी कभी टेंस नहीं बदला जाता है, तो एक तो प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, तब नहीं बदला जाएगा, और कब नहीं बदला जाता है ये कुछ आप देख लीजिए, इसके जो है अपवाद कहाँ कहाँ नहीं बदलते। डोंट चेंज द टेंस, टेंस को परिवर्तन मत करो, कहाँ ना करो, पहला रूल देखते हैं, यदि रिपोर्टरी स्पीच में कोई सदा सत्य रहने वाली बात, आदत, कहावत दी गई हो, ठीक है, जो अधिकतर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होती है, मतलब आदत, कहावत, ये सदा सत्य रहने वाली बात, ये हमेशा प्रेजेंट इनफिनिटिव टेंस में ही लिखी जाती है। इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कभी नहीं बदलते हैं, तो ऐसा अगर प्रेजेंट इनफिनिटिव में ये सब आदत, कहावत, ये सब लिखी रहती है, तो आप इसको आदत, कहावत, यूनिवर्सल यानी सदा सत्य रहने वाली बात है, तो आप इसको टेंस ना बदलो, नहीं तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, तो आज ईमानदारी एक अच्छी नीति है, थी, रहेगी, यानी ये सदा सत्य रहने वाली बात है, तो इसलिए इसको वाज में नहीं बदलोगे। माई फ्रेंड सेड दैट, ऑनेस्टी इज का वाज कर दोगे तो गलत हो जाएगा, वाक्य ही गलत हो जाएगा कि हाँ थी, जैसे आज है ही नहीं, इसे दैट लगा के जोड़ दो आप, क्योंकि ये कहावत है, ईमानदारी की अच्छी नहीं। दूसरा है, आर टीचर सेड, हमारे अध्यापक ने कहा, द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, धरती प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, पुल्स मतलब खींचती है, तो अब यहाँ क्या है, धरती प्रत्येक चीज़ को अपनी तरफ की, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है, तो आप इसको क्या करोगे, द टीचर सेड का एक्सप्लेन दैट कर दो, या फिर आप सेड दैट भी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सप्लेन माने व्याख्या करना या स्पष्ट करके बताना, दैट मीन्स कि द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इट, पुल्ड कर दोगे जैसे खींचती थी, आज खींचती नहीं, गलत हो जाएगा वक्त, तो इसलिए आप इसमें टेंस परिवर्तन ना करो। अगला देखिए इसमें कुछ और, यदि ओरिजिनल स्टेटमेंट अब भी वैलिड है यह वर्तमान तक चल रहा है, तब भी टेंस में चेंज नहीं करना चाहिए, मतलब कोई कथन है जो अभी भी चल रहा है, ठीक है, तो वर्तमान तक, तो उसको भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, नहीं वही सदा सत्य रहने वाली बात हो जाएगी। अब देखिए दूसरा नियम देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी ऐतिहासिक तथ्य का मतलब जो सही इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहती है, उसी को हम तथ्य कहते हैं, तो ऐतिहासिक तथ्य या घटना को सिंपल पास्ट, ठीक है, में व्यक्त किया गया हो, तब भी इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। कहने का मतलब कोई ऐतिहासिक तथ्य रहती है या घटना रहती है, तो सिंपल पास्ट माने होता है पास्ट इनडेफिनिट को सिंपल पास्ट कहते हैं, तो पास्ट इनडेफिनिट में लिखा गया तब भी टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं, क्योंकि घटनाएँ जो है पास्ट इनडेफिनिट में रहती हैं, तो आप सोचोगे पास्ट परफेक्ट में कर दें, गलत हो जाएगा, तो मत बदलो आप उसको। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं ऐतिहासिक घटना का, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, गांधी जी डाइड ऑन 13th January 1948, गांधी जी 30 January 1948 को मर गए, तो ये क्या है, ऐतिहासिक घटना है, तो सीधी सी बात है, तो दैट लगा के जोड़ दो, गांधी जी डाइड देखिए सिंपल पास्ट यानी पास्ट इनडेफिनिट है, तो इसको हैड डाइड नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक बात है, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जांपल, जैसे देखिए समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो प्रेजेंट में है, तब भी नहीं बदला जाएगा, कोई भी इस तरह से ऐतिहासिक बात नहीं बदली जाती है। अब अगला रूल देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस में एक ही समय पर दो कार्यों का होने का प्रसंग हो, प्रसंग मतलब वर्णन हो, तथा टाइम क्लाज मतलब उपवाक्य, समय संबंधी उपवाक्य हो, जो का प्रयोग हो रहा हो, तब इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि ये बात है कि जैसे दो कार्य का वर्णन कभी कभी होता ना, कि जब मैं आ रहा था तब वो जा रहा था, जब खेल शुरू हुआ तब बारिश शुरू हो गई, इस तरह से कोई बातें रहती हैं, तो उसमें क्या सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है, कि तो पास्ट सिंपल पास्ट में यानी पास्ट इंडेफिनिट रहा था दो बातें,
या पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाता है, तो उसमें आप टेंस परिवर्तन ना करो। कब? जब दो कार्यों का वर्णन हो और समय से संबंधित उसमें क्लाज हो, टाइम क्लाज हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे समझ में आएगा। ही सेड, उन्होंने कहा, व्हेन द गेम बिगन, जब खेल शुरू हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग, तब बारिश शुरू हो गई थी, जब खेल शुरू हुआ तब बारिश शुरू हो गई। तो ये आपका डायरेक्ट है। अब इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? अब देखिए, ही सेड दैट व्हेन द गेम बिगन कॉमा इट स्टार्टेड रेनिंग, आप दैट लगा के जोड़ दिया और कुछ करना नहीं। क्यों? क्योंकि दो कार्य हैं, जब एक इधर खेल भी शुरू हुआ, बारिश भी शुरू हुई, तो दोनों पास्ट इंडेफिनिट में, तो टेंस ना बदलो। अब देखिए, इसको ऐसे भी कह सकते हो, ही सेड दैट इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन द गेम स्टार्टेड, मतलब कि क्या है, दो कंजक्शन दैट और व्हेन हो गए। तो आप चाहो तो वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए दो कंजक्शन दो जगह कर दो, दैट के बाद, ठीक है, व्हेन जो है आप इधर वाला इट स्टार्टेड वाला पहले लिख दो, इसके व्हेन वाला बाद में कर दो, क्योंकि व्हेन और इफ़ ये सब हैं, इसको हम बीच में भी कर सकते हैं, तब कामा ये हट जाता है। तो इस तरह से इसको ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। माय अंकल सेड, मेरे चाचा ने कहा, व्हेन एवर आई वेंट टू दिल्ली, जब कभी मैं दिल्ली जाता था, आई जनरली ऑफर्ड प्रेयर्स एट द बिरला टेम्पल, तब मैं प्राय बिरला मंदिर में जो है प्रार्थना करता था, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है कि इसमें दो कार्य हैं पास्ट इन्फिनिटिव में, जब मैं जाता था तब मैं प्रार्थना करता था, ठीक है। तो ऑफर्ड देखिए, ये भी पास्ट इन्फिनिटिव के सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से इसमें भी परिवर्तन ना करो, क्योंकि समय की बात की, जब कभी, व्हेन आई या व्हेन एवर, यही दो ही शब्द बताते हैं कि टाइम क्लाज है, ठीक है। तो व्हेन या व्हेन एवर से शुरू होने वाली क्लाज को, उपवाक्य को हम टाइम क्लाज कहते हैं। तो इनके आने पर एक एक क्लाज और आगे आए रहेगी, उसको मुख्य उपवाक्य कहते हैं। तो उसमें परिवर्तन आप मत करिए। टेंस पूरा, मतलब इस पूरा ये दोनों क्लाज लिख दीजिए, लेकिन टेंस परिवर्तन ना करिए। एग्जाम्पल देखते हैं, माई अंकल सेट का, इसका इनडायरेक्ट देख लीजिए, नीचे दिया गया है। तो माई अंकल सेट दैट, दैट लगा के जोड़ दिए, व्हेन एवर ही वेंट टू दिल्ली कॉमा ही जनरली ऑफर्ड प्रेयर्स एट द बिरला टेम्पल, तो मतलब दैट लगा के जोड़ दिए, टेंस परिवर्तन नहीं किया गया। अगला देखते हैं, एग्जाम्पल है, द बस ड्राइवर सेट, बस ड्राइवर ने कहा, व्हेन द बस वॉज पासिंग थ्रू सिविल लाइन्स, जब बस सिविल लाइन से यानी पास हो रही थी, ठीक है, सिविल लाइन से मार्केट है वहाँ का, मतलब मेन चौराहा, एन अनरूली मॉब, तब अनरूली मतलब जिसे असभ्य, मॉब माने भीड़, पेल्टेड, पेल्टेड मतलब फेंकना, इट विथ स्टोन्स मतलब पत्थर फेंकने लगे। कि कहने का मतलब यह है कि जब बस ड्राइवर ने कहा कि जब बस जो है सिविल लाइन से होकर गुजर रही थी, तब कुछ असभ्य जो है भीड़ थी वहाँ पर, असभ्य भीड़ क्या होते हैं, मतलब कि पत्थर फेंकने लगे। तो अब यहाँ क्या है, दो काम, व्हेन से देखिए टाइम क्लाज है, व्हेन द बस वॉज पासिंग, तो ये एक, इसके बाद एक मुख्य उपवाक्य और है, एन एनरोली मॉब, तो दो क्लाज हैं, तो दोनों को में समय की बात किया जा रहा है। कि पहले वाला देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में भी आ सकता है। तो इसको जो है आप टेंस परिवर्तन मत करिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट मत करिए। तो अब इनडायरेक्ट क्या है, द बस ड्राइवर रिपोर्टेड दैट, अब यहाँ सेट की जगह रिपोर्टेड कर दिए, कि मतलब सूचना दिया कि, तो आप सेट भी कर दोगे तो गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वर्ब हम अपने हिसाब से अर्थ के अनुसार दूसरे भी ले सकते हैं सेट की जगह। व्हेन द बस वॉज पासिंग थ्रू सिविल लाइन्स एन अनरूली मॉब पेल्टेड इट विथ स्टोन, देखिए दैट लगा के जोड़ दिया गया और कुछ करना नहीं। देखिए आगे क्या है कि यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ ध्यान दें कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल उसी समय नहीं बदलते हैं जब वह इनकम्प्लीट एक्शन को बताता है, इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण, अपूर्ण कार्य को बताता है, बता रहा हो, यदि कंप्लीट एक्शन हो रहा हो तब पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, यानी कि कोई इनकम्प्लीट तो रहेगा तो नहीं बदलेंगे, अगर कंप्लीट एक्शन हो रहा है मतलब क्लियर हो कि हाँ काम पूरा हो गया, तो आप उसको बदल सकते हैं, तो बदल देते हैं। जैसे देखते हैं उदाहरण, ही सेड, उसने कहा, आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। तो यहाँ क्या है, कंप्लीट हो गया एक्शन कि हाँ इंतजार किया, वो नहीं आया, बात खत्म हो गई। तो आप इसको अब बदल दो टेंस, कोई दिक्कत नहीं। ही हायर, अब देखिए अब वैसे भी अभी देख लीजिए कि इसमें देखिए टाइम क्लाज भी नहीं है, व्हेन व्हेन या व्हेन एवर से कोई भी वाक्य नहीं है। देखिए ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वाज के देखिए हैड बीन कर दिया, ही हैड बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, ठीक है, माई का हिज हो गया ही के अनुसार, ठीक है, और उसके बाद बट से जोड़ दिया, बट ही डिड नॉट कम, डिड नॉट का ही हैडेंट कम, डिड नॉट का हैड नॉट का, तो यह शॉर्ट फॉर्म हैडेंट, टर्न आपका टर्नड अप हो जाएगा, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म टर्न अप लगेगा, हेड के साथ थर्ड फॉर्म टर्नड अप। इस तरह से देखिए कंप्लीट एक्शन हो गया, जब कंप्लीट एक्शन नहीं रहेगा तो व्हेन से शुरू होता है, व्हेन या व्हेन एवर से, दो कार्य। तो इस तरह से आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं।
अगला क्या आप ध्यान देने वाली बात है, रिपोर्टेड स्पीच में अनरियल कंडीशन, अनरियल मतलब अवास्तविक, जो काल्पनिक हो, वास्तविक ना हो, तो अवास्तविक कंडीशन में शर्त या दशा, अवास्तविक शर्त हो, अवास्तविक शर्त कैसे जानोगे, सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट रहेगा एक एक क्लास में, फर्स्ट प्लस सेकंड फॉर्म, और दूसरे में क्या रहेगा, वुडेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको हम कहते हैं अनरियल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड मतलब अधूरी, अधूरी शर्त या तो रहेगी, अवास्तविक शर्त या अधूरी शर्त रहेगी। अधूरी शर्त कैसे जानोगे है, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता है एक क्लाज में, दूसरे क्लाज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों ये स्ट्रक्चर भी जानते रहो कि मतलब सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म रहेगा तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म रहता है, और ये सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म रहता है तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा। कभी कभी वाक्य मतलब कि गलत वाक्य दे देगा, कहेगा कौन सा सही है वुड के साथ, ठीक है चार वाक्य दे देगा, तो इसी स्ट्रक्चर पर जो वाक्य लिखे रहेंगे वो सही रहते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच देख लेते हैं इसका, देखिए ही सेड, उसने कहा, इफ आई लिव्ड नियर माई ऑफिस, यदि मैं अपने ऑफिस के पास रहता, आई वुडेंट गो देयर बाई स्कूटर, तब मैं वहाँ आप स्कूटर से ना जाता क्योंकि ऑफिस के पास रहता तो पैदल चला जाता। अब यहाँ क्या देख रहे हो आप, देखिए इफ से जो है आई लिव्ड ये पास्ट इन्फिनिट है, इफ प्लस पास्ट इन्फिनिट टेंस है, उसके बाद आगे में वुडेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इस तरह का जो है इसको हम कहते हैं अनरियल अवास्तविक कंडीशन। इसमें टेंस परिवर्तन ना करो ऐसी कंडीशन में, आप दैट लगा केवल जोड़ दो और कुछ करना नहीं है, यानी आप इफ से देख लीजिएगा, इफ से रहता है तो बदलो मत, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा या हेड प्लस थर्ड फॉर्म रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द फार्मर सेड, किसानों ने कहा, इफ वी हैड एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटी, इफ वी हैड मतलब यदि हमारे पास होता, देखिए एक हैड सहायक क्रिया, एक हैड पास की अंग्रेजी है, यदि हमारे पास होता एडिट या ठीक है, यदि हम एडिक्वेट माने होता पर्याप्त, इरिगेशन मतलब होता सिंचाई, फैसिलिटी माने सुविधाएं, यदि हमारे पास पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं होती, वी वुड हैव हार्वेस्टेड ए बम्पर क्रॉप, तो हम एक बम्पर फसल जो है हार्वेस्टेड माने काटते हैं, क्रॉप माने फसल। तो अब यहाँ क्या है, देखिए इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, ठीक है हैड भी थर्ड फॉर्म, उसके बाद अगले में है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये वाक्य सही है। तो आप इसमें क्या है कि अनरियल अनफिनिश्ड कंडीशन होती है, ठीक है, तो इफ के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो अनरियल होता है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट है तो अनफिनिश्ड यानी अधूरी शर्त रहती है। तो अधूरी शर्त कैसे, मतलब इसे कह रहे हैं कि यदि हमारे पास पर्याप्त सिंचाई की सुविधाएं होती तो हम जो है बम्पर क्रॉप फसल काटते हैं, तो काकरे सुविधाएं होती काकरे आप काटते हैं, तो इस तरह से अधूरी ही रह गए। तो इसमें कहना क्या है, द फार्मर सेड दैट, तो यहाँ देखिए सेड के बाद दैट लगा के जोड़ दिए, आगे सब कुछ वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। हाँ टेंस परिवर्तन नहीं होगा, बाकी प्रोनाउन परिवर्तन नहीं करता, सूचक शब्दों में परिवर्तन ये सब जरूरत के अनुसार होगा। जैसे देखते हैं दैट लगा के यहाँ देखिए जोड़ा गया, इफ वी का जो है फार्मर्स यानी कई किसान है तो इसलिए दे हो गया, ठीक है हैड एडिक्वेट फैसिलिटी, अब यहाँ वी का फिर क्या हो गया फार्मर्स के अनुसार दे हो गया, दे वुड हैव हार्वेस्टेड बम्पर क्रॉप। तो यहाँ ध्यान दे रखें कि यदि वाक्य में रियल कंडीशन दी हो, रियल कंडीशन मतलब सही वास्तविक शर्त, तब टेंस परिवर्तन अवश्य होगा, टेंस परिवर्तन अवश्य होगा। जैसे द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, इफ़ यू पे द फी, ये तुम फीस दे दोगे, आई शैल एडमिट यू, तो मैं तुम्हारा प्रवेश ले लूँगा। अब यहाँ क्या है, ये मतलब रियल कंडीशन मतलब ऐसी शर्त जो है जो जिसमें शर्त पूरी होने के पूरे चांस हो, उसको रियल कंडीशन कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल ने कहा यदि तुम फीस दे दोगे तो मैं तुम्हें प्रवेश दे दूँगा, तो ये क्लियर है फीस दिए प्रवेश पाया, तो इस तरह शर्त पूरी होने की संभावना होती है, उसको रियल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसके पहले वाले में देखिए वाक्य था कि यदि मैं घर ऑफिस के पास होता तो मैं स्कूटर से ना जाता, काकरे आप ऑफिस के पास होते नहीं जाते, और यदि मैं पर्याप्त मेरे पास पर्याप्त सिंचाई की सुविधा होती तो मैं बम्पर फसल काटता, तो ये सब अधूरी हैं काल्पनिक इच्छाएँ हैं, लेकिन ये क्या है रियल कंडीशन मतलब वास्तविक शर्त है, इफ़ यू पे द फी आई सेल एडमिट यू। तो इसमें क्या कहना, दैट लगा के आप जोड़िए, यू का जो है क्या करिए ही में कर दीजिए, ठीक है मतलब प्रोनाउन परिवर्तन होगा, टेंस परिवर्तन भी सब कुछ होगा। कि देखिए फिर से बता दें, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल का इफ़ यू पे द फी या तुम फीस दे दो आई सेल एडमिट यू, तो इसमें क्या पूरी रियल कंडीशन है। तो करना क्या है कि सेड के बाद दैट आप लगाए, इफ़ लिखे, फिर यू को जो है आपको क्या करना है बदलना होता है। अब दोस्तों एक बात यह भी ध्यान दीजिए कि यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और यू को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप मान लिया करिए, ठीक है यहाँ अपने मन से एक मान लीजिए हिम मान लीजिए, आप ही हो गया ही या सी कुछ भी मान लीजिए,
आप थर्ड पर्सन हमेशा मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, किसी को मान सकते हैं, आप मी भी मानते तो यहाँ आई हो जाता। तो इस तरह से कोई भी सब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि अब क्योंकि प्रिंसिपल ने कहा ये तुम फीस नहीं, तो हम कहेंगे किसी सुन लिए हैं, तो कहेंगे प्रिंसिपल ने कहा कि इफ़ यू का यहाँ हिम मान लिए, ऑब्जेक्ट मान लिए हिम है, तो इसलिए ऐसे ही हो जाएगा। ही मान लिए पिकअप पेड हो गया पास्ट इनफिनिटिव टेंस में, पे द फी, और फिर आई का जो है प्रिंसिपल कंसर्न ही हो गया, ही के साथ बिल लगता है इसलिए उड हो जाएगा एडमिट, और यू का जो है यहाँ आप ही माने हो यहाँ, तो ही के अनुसार हिम हो जाएगा। जो वहाँ सब्जेक्ट मांगो वही यहाँ भी मांग लो। इसके बारे में अभी आपको आगे और भी डिटेल आपको मिलेगा एग्जांपल, और समझाया जाएगा कि कहाँ कैसे कौन सा मानना ठीक रहता है। आप थर्ड पर्सन हमेशा मान सकते हो ऑब्जेक्ट ही ऐसी, इतना जान लो। अब यहाँ देखिए, अब ये आपका जो है टेंस परिवर्तन जो है अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। अब अगले वीडियो में हम आपको जो है प्रोनाउन में परिवर्तन बताएंगे, कि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब प्रोनाउन परिवर्तन तो बता चुके हैं, निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन हम अगले वीडियो में बताएंगे, और क्रूस हम प्रैक्टिस सेट भी देखेंगे, ठीक है, उसको आप हल करेंगे और मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। तो इस तरह से वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन पूरा बताया जाएगा, उसकी प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, फिर इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सब कुछ तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।